अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस स्केजलिंग एल्गोरिदम्स। हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रोसेस स्केजलिंग क्या है, प्रोसेस स्केजलिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं। अब हमने जो डिफरेंट पॉपुलर स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं जो प्रोसेस स्केजलर यूज़ करते हैं उनको पढ़ना है। तो जो 6 पॉपुलर स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी स्केजलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबन स्केजलिंग, मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग। अब ये जो स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं इनमें कुछ जो हैं वो कौन से हैं नॉन प्रिमिटिव हैं और कुछ कौन से हैं जो प्रिमिटिव हैं। तो ये जो है हमने पढ़ा था कि नॉन प्रिएम्प्टिव कौन से होते हैं, ऐसे स्केजलिंग एल्गोरिदम्स या इस तरह की स्केजलिंग जिसमें जब एक प्रोसेस को इंटर रनिंग स्टेट में हो या जब एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो गया हो तो उससे सीपीयू ना लिया जाए जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए या उस प्रोसेस को जितना टाइम अलॉट किया गया है वो कंप्लीट ना हो जाए। जबकि जो प्रिएम्प्टिव स्केजलिंग है, जो प्रिएम्प्टिव स्केजलिंग के एल्गोरिदम्स हैं उनमें क्या किया जाता है, एक प्रोसेस जो रनिंग में है जिसे सीपीयू मिला हुआ है उससे सीपीयू लेके हम दूसरे को दे देते हैं। किस तरह से कि एक जो हमारे पास प्रोसेस है उसकी लो प्रायोरिटी है वो रनिंग में है, हमारे पास एक और प्रोसेस आया है जिसकी प्रायोरिटी क्या है हाई है, तो उसे हम क्या करते हैं लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रेडी स्टेट में कर देते हैं रनिंग से, और जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में आया है उसको रनिंग में ले आते हैं। यानी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से सीपीयू लेके हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को दे देते हैं। तो इस तरह के जो स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो हमारे पास प्रिएम्प्टिव स्केजलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। अब दोनों तरह के एल्गोरिदम्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट वाला आ जाता है वो है सबसे इजी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नेम से जाहिर हो रहा है कि जॉब्स या जो हमारे पास प्रोसेस हैं उनमें से जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले क्या होगा सीपीयू अलॉट होगा। तो ये जो है ये नॉन प्रिएम्प्टिव स्केजलिंग एल्गोरिदम है। इसके अलावा दूसरी चीज़ कौन सी है, इजी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट है, हम इसे आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके ज़रिए होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यूज़ के ज़रिए। तो इसको अगर हम देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं ये हमारे पास क्यू है, इसमें प्रोसेस वन जो है वो हमारे पास पहले आया है तो वो उसे क्या होगा सीपीयू पहले मिलेगा, प्रोसेस टू जो है उसके बाद आ रहा है तो उसे सीपीयू उसके बाद मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पहले अंदर जा रहा है वही पहले क्या है बाहर आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज टाइम इज़ हाई, एवरेज वेट टाइम इज़ हाई। इस जो हमारे पास स्केजलिंग है ये इजी भी है, इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो एवरेज वेट टाइम है प्रोसेसेस का वो क्या होता है हाई होता है, इंक्रीज हो बाकियों से, बाकी किस्म के स्केजलिंग एल्गोरिदम से। इसकी हम एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास एक जो है हमने सिचुएशन देखी जिसमें चार प्रोसेस हैं P0, P1, P2, P3। यहाँ पे उनके अराइवल टाइम दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके एग्जीक्यूट टाइम दिए हुए हैं। एग्जीक्यूट टाइम क्या है, जितना देर उन्हें सीपीयू रिक्वायर्ड है या जितनी देर जो है उन्हें की एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है। इसीलिए हम इसे एग्जीक्यूशन टाइम को बर्स्ट टाइम भी कहते हैं कि जितना उन्हें सीपीयू का बर्स्ट चाहिए। अब जो है हम इससे क्या कर सकते हैं, इनका सर्विस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्विस टाइम का क्या मतलब है कि कितनी देर जो सर्विस टाइम है कि किस टाइम उन्हें प्रोसेस अलाट हुआ था, प्रोसेस को सीपीयू अलाट हुआ था। तो देखें प्रोसेस वन का अराइवल टाइम क्या है 0, तो उसी टाइम ही उसे क्या है सीपीयू मिल जाएगा क्योंकि वो पहला आने वाला है, फौरन उसे सीपीयू मिल जाएगा। तो इसका सर्विस टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0।
अच्छा, अब इसका एग्जीक्यूशन कितना टाइम कितना है? 5। तो जब इसे P0 को मिल गया है CPU, तो ये 5 जो है इसे सेकंड्स कर लें, मिली सेकंड्स कर लें, जो भी हम इसे अज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं मिली सेकंड में है ये, तो ये जो 5 मिली सेकंड्स है ये हम यहाँ पे कर देंगे 0 + 5 जो है, इतनी देर जो प्रोसेस 0 है, P0 है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जो 5 पे हमारे पास कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? P1। तो जो P1 है उसका सर्विस टाइम कितना है? 5। उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3। अगर 5 में हम 3+ करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोसेस 2 है उसका सर्विस टाइम आ जाएगा जो क्या है हमारे पास? 8। अब जो है हमारे पास प्रोसेस 2 उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? वो भी 8 है। हम उसमें क्या प्लस करेंगे? 8। तो हमारे पास नेक्स्ट सर्विस टाइम आ जाएगा जो कितना है? 16। तो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास जो डिफरेंट आया है, ये यहाँ पे हम इसको किसी का सर्विस टाइम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई और हमारे पास प्रोसेस नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है। हम सिर्फ इन 4 प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये 4 ही हमारे पास क्या आ रहे हैं? सर्विस टाइम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने सर्विस टाइम को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने वेट टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं वेट टाइम जो है वो किसके इक्वल है? कि जब सर्विस टाइम, जब प्रोसेस को CPU अलाट हुआ, माइनस क्या है? अराइवल टाइम, जिस टाइम वो प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में या रैम में हमारे पास आया था। तो अब प्रोसेस 0 जो है उसका सर्विस टाइम देखें हमारे पास क्या है? 0 है। और उसका अराइवल टाइम भी क्या है हमारे पास? 0 है। तो 0 - 0 हमारे पास फर्स्ट वाले को, प्रोसेस 0 को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि उसका वेट टाइम 0 है। जब हम आगे प्रोसेस 1 पे, तो प्रोसेस 1 का सर्विस टाइम क्या है? 5। और उसका अराइवल टाइम क्या था? 1। तो 5 - 1 = 4 जो है ये प्रोसेस 1 का वेट टाइम है। इसी तरह से हमने प्रोसेस 2 का वेट टाइम निकाल लिया। सर्विस टाइम क्या है? 8। और उसका अराइवल टाइम क्या था? 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 6। इसी तरह से हमने लास्ट वाले P3 का निकाल लिया, उसका सर्विस टाइम क्या था? 16। अराइवल टाइम क्या था? 3। तो माइनस करके क्या आ गया हमारे पास? 13। अब इन चारों को, वेट टाइम को जब प्लस करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेट टाइम। तो हम देख रहे हैं इसका कितना है? 5.75। तो देखेंगे कि ये वाले प्रोसेसेस के लिए बाकी जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है उनका एवरेज वेट टाइम क्या है। तो हम नेक्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम पे आ जाते हैं, जो क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसमें क्या है, ये मिनिमाइज कर देते हैं हम वेटिंग टाइम। किस तरह से? क्या इसके जैसे नेम से हो रहा है कि हमारे पास जितनी जॉब्स होती हैं या जितने प्रोसेसेस होते हैं, हम देखते हैं कि उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, यानी सबसे कम CPU किसे रिक्वायर्ड है, तो उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी तरह से तरतीब में हम क्या है बढ़ाते जाते हैं कि जितना जिस प्रोसेस का CPU टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा बाद में। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो बैच सिस्टम है, ऐसे सिस्टम जिनमें पता होता है CPU कितनी CPU को कितना टाइम लगेगा, एडवांस में पता होता है कि एक प्रोसेस को CPU का कितना टाइम चाहिए, तो उनमें तो ये यूज़ हो सकता है। लेकिन ऐसे इंटरैक्टिव सिस्टम्स जिसमें यूज़र साथ साथ क्या है वर्क कर रहा है, कोई इनपुट दे रहा है, कोई आउटपुट दे रहा है, कोई नई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उन सिस्टम्स में हमें पता नहीं होता कि CPU का टाइम कितना लगेगा एक प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पर हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है हम अब इसका वेट टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर उसी तरह से हम कंसीडर करें, हमारे पास क्या आ गए? डिफरेंट किस्म के वही 4 प्रोसेस आ गए। अराइवल टाइम उनका आ गया, उनका क्या आ गया हमारे पास? एग्जीक्यूशन टाइम। तो
अब जो सर्विस टाइम है, अब इसको सर्विस टाइम को हम खुद से कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, तो जो इसका सर्विस टाइम है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्योंकि जब आता है तो वो ही प्रोसेस सिरो मौजूद होता है, तो जो पी ज़ीरो है हमारे पास वो तो क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन तो ज़ीरो पे ही स्टार्ट होगी। उसमें हमारे पास उस कितना एग्जीक्यूशन टाइम है उसका 5 मिलीसेकंड है, हम उसमें 5 कर देंगे तो हमारे पास वो 5 पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब 5 पे कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग जो 3 हैं हम उनमें देखेंगे कि सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, तो वो किसका है, प्रोसेस 1 का। तो ये जो P1 का सर्विस टाइम हो जाएगा 5, अब उसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, तो 5 में हम प्लस क्या कर देंगे 3, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 पे जब हमने नया प्रोसेस स्टार्ट करना है, हमने देखना है P2 को स्टार्ट करें या P3 को स्टार्ट करें, तो P2 और P3 में जो है हमारे पास, अब ये देखें अराइवल टाइम के लिहाज से देखें कि जब हमारे पास ये जो P2 है इसमें देखें अराइवल टाइम में हमारे पास जब 0 था तो तब इन में से अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, जबकि जब प्रोसेस 1 है हमारे पास प्रोसेस यहाँ 5 पे एग्जीक्यूट होने लगे हैं, तो तब हमारे पास प्रोसेस 1 भी मौजूद है, प्रोसेस 2 भी मौजूद है और क्या है, प्रोसेस 3 भी मौजूद है। इसीलिए हमने उन तीनों में से देखा कि छोटा कौन सा है, जो कि प्रोसेस 1 था। अब 8 टाइम पे भी हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं, P2 भी मौजूद है और क्या है, P3 भी मौजूद है, इनमें से छोटा कौन सा है, P3। तो हम 8 पे किसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, P3 की, जिसकी हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 6, तो हम ये प्लस कर देंगे, ये हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी 14। तो 14 पे अब हमारे पास P2 जो है वो लास्ट रिमेनिंग है, तो P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें सर्विस टाइम, तो हमारे पास पहले का क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, ठीक है। P1 का हमारे पास क्या है, इसका 0 है, और P1 का हमारे पास क्या है, 5 है, P2 का क्या है हमारे पास, 14 है, और P3 का हमारे पास कौन सा है, 8। तो ये हमारे पास सर्विस टाइम आ गया। अब वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो वेटिंग टाइम का हमने पीछे पढ़ा था क्या चीज़ है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमने क्या करना है, ये जो सर्विस टाइम है यानी 0, 5, 14, 8, इसमें से माइनस क्या कर देने हैं, अराइवल टाइम जो क्या है 0, 1, 2, 3। तो ये जब माइनस करके ये हमारे पास सारा वेट टाइम आ गया, इनको हमने प्लस किया तो एवरेज लिया, तो ये हमारे पास एवरेज आ गया 5.25। तो देखें जो हमारे पास ये किसका आंसर है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो जो हमारे पास दूसरी थी कौन सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो उसका हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना था, 5.75। तो हमारे पास इससे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट से या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से हमारे पास एवरेज वेट टाइम जो है उसमें रिडक्शन हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि हमने बात की थी पहले जो एल्गोरिदम है उनमें हम ये कंसीडर कर रहे थे कि तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो सेम इम्पोर्टेंस के हैं, उनमें कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जिस जो दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन मोस्टली जब हम प्रोसेस स्केजलिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
और कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उनको हम पहले एग्जीक्यूट करें। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग करते हैं। तो प्रायोरिटी का क्या मतलब है, ऐसे जो हैं हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम हाई प्रायोरिटी दे देते हैं, और ऐसे प्रोसेस जो कम लेस इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, उनको हम लो प्रायोरिटी दे देते हैं। तो क्या चीज़ है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग इज़ अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केजुलिंग एल्गोरिदम इन बैच सिस्टम्स। ईच प्रोसेस इज़ असाइंड अ प्रायोरिटी, प्रोसेस विद हाइएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। द प्रोसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो ये देखें कि अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है तब तो दो प्रोसेस हैं, अगर P1 और P2 हैं, अगर P1 की प्रायोरिटी हाई है और P2 की लो है तब तो क्या होगा, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर P1 है और P2 है दोनों की प्रायोरिटी हमारे पास, बल्कि हम एक P3 कह देते हैं, उसकी भी प्रायोरिटी क्या है, लो है। अब P2 की भी लो है, P3 की भी लो है प्रायोरिटी हमारे पास, तो इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो पहले आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं P2 पहले आया है तो P2 पहले होगा और P3 बाद में होगा। प्रायोरिटी कैन बी बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो ये जो प्रायोरिटी असाइनमेंट है ये डिफरेंट रीजंस पे हो सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हम कहें कि जिसे मेमोरी ज़्यादा चाहिए उसको लो प्रायोरिटी दे दें, पहले कम मेमोरी जिन्हें चाहिए वो हो जाएं, या इसी तरह से रिसोर्स जो है हम कहें कि हमारे पास जिनको ये वाला रिसोर्स चाहिए वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएं बाकी बाद में हो। तो किसी तरह से भी प्रायोरिटी के एल्गोरिदम्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, प्रोसेस हैं उनका अराइवल टाइम है, उनका एग्जीक्यूशन टाइम है और उनकी क्या है, प्रायोरिटी है। तो आप ये देखें कि फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम क्या है, ज़ीरो। इसमें याद रखें कि हमने सर्विस टाइम बनाते हुए साथ में ये याद रखना है कि उस अराइवल टाइम तक वो पहुंचा भी है दूसरा प्रोसेस या नहीं। तो जब P0 का अराइवल टाइम हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो उस टाइम तक कोई और ज़ीरो पे कोई और प्रोसेस नहीं पहुंचा हुआ तो वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसकी प्रायोरिटी जो भी हो। अच्छा, तो अब P0 पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, P0। P0 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5। तो वो कब तक होता रहेगा, 5 तक। अब 5 पे देखें तीनों दूसरे प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब तीनों प्रोसेसेस में देखना है हमने कि प्रायोरिटी किसकी सबसे हाई है। तो देखें प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का नंबर किसे दिया गया है, P3 को। तो हम क्या करेंगे, 5 पे किसे स्टार्ट करेंगे, P3 को। P3 का एग्जीक्यूशन कितनी है, 6। तो हम क्या है, 5 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 11। अब 11 पे देखें ये दोनों मौजूद हैं, इन दोनों में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी हाई है। तो इसमें किसकी हाई है हमारे पास प्रायोरिटी, P1 की। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P1। P1 का हमारे पास एग्जीक्यूशन का साइज़ कितना है, 3। तो 11 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। 14 पे अब ये जो है हमारे पास लास्ट एक ही बचा है P2, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा P2। तो ये हमारे पास सर्विस टाइम आ जाएगा, P0 का क्या आ जाएगा, 0। P3 का क्या आ जाएगा, 5। P1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। और P2 का क्या आ जाएगा, 14। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम का हमने देखा था कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है, फार्मूला क्या था हमारे पास, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम।
तो पहले का तो 0 माइनस 0 आ गया, दूसरे का क्या था 11 माइनस 1, हमारे पास 10 आ गया। इसके अलावा जो है 14 माइनस 2 जो है हमारे पास नेक्स्ट आ गया 12। इसी तरह से 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इन सबको हम प्लस करेंगे और एवरेज लेंगे तो हमारे पास एवरेज वेट टाइम आ जाएगा 6। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि एवरेज टाइम जो है हमारे पास डिफरेंट है सारे एल्गोरिदम्स का। इसका जो एवरेज टाइम है ये दूसरों से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली ये यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल P3 हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था P1 से, तो P3 जो है पहले एग्जीक्यूट हो गया, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि पहले ये तीनों एग्जीक्यूट हों फिर वो एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स।